आज हम और नानी की फैमिली खूब मजे करेंगे। अभी नहीं हुआ क्या? मुझे भूख लगी है मॉम। कर रहा हूँ, थोड़ा तो इंतजार कर लो। वैसे मैं चाहता था कि आज रात हम इसी टेंट में रुकें। बिल्कुल भी नहीं, मुझे टेंट में नींद नहीं आती है। हम कैंपिंग करने की जगह किसी अच्छे होटल में भी तो रह सकते थे ना? हाँ रह सकते थे बेटा, लेकिन कैंपिंग करने का एक अलग ही मजा है। वैसे आप बात तो ठीक ही कह रहे हैं। मॉम सुनिए ना, मुझे यहाँ पर बहुत मच्छर काट रहे हैं। अच्छा रुको जरा। अरे नहीं, ये लोग भी यहाँ आ गए। नैनी जल्दी से ये हैट पहन लो। हाँ, मुझे नहीं पहननी मॉम। चुपचाप पहन लो, आज धूप बहुत तेज है, समझी तुम? अरे यहाँ बहुत भीड़ है, चलो कहीं उस तरफ चलते हैं ना हम लोग। ठीक है। अच्छा हुआ उन लोगों ने हमें देखा नहीं। मिस्टर नोहारा, मिस्टर नोहारा, यहाँ इस तरफ देखिए। यहाँ आ जाइए, यहाँ पर बहुत खाली जगह है। अरे वाह, ये तो बहुत ही कमाल की जगह आपके पास। ये टेंट आप लोगों ने लगाया है? हाँ, मैं चाहता था कि रात को हम यहीं रुकें। ये तो बस ऐसे ही लगा लिया। अच्छा हुआ तुमने हमें यहाँ बुला लिया नानी। तुम्हारा क्या मतलब शिनचान? वरना हम सारा दिन ऐसे ही घूमते रहते और हमें बारबेक्यू खाने को भी नहीं मिलता। तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ये भी मजाक बहुत कर लेता है आजकल। वैसे ये टेंट हमने बहुत पहले खरीद लिया था, लेकिन इसे इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिला। सोचा आज इस्तेमाल कर ही ले। लगता नहीं ये लोग आसानी से जाने वाले हैं। वैसे बहुत ही कमाल का टेंट है ये। मैं तो चाहता था कि आज रात हम यहीं रुके, लेकिन इन दोनों का मन नहीं है। अब हम साथ में हैं तो क्यों ना साथ में मिलकर बारबेक्यू करें? ठीक है ना मम्मा पापा? हाँ अच्छा आइडिया है। आप क्या कहते हैं? क्या कहती हो तुम? हाँ क्यों नहीं, लेकिन हमने तो पहले ही यहाँ पर बारबेक्यू लगा लिया है। मुझे नहीं लगता यहाँ इतनी जगह है कि नोहारा फैमिली अपना बारबेक्यू लगा पाएगी। अरे इस बारे में आप मत सोचिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर देर किस बात की, काम शुरू करें। अरे वाह, आपका बर्नर तो हमारे से बहुत बढ़िया है। आप इस्तेमाल करेंगे क्या? हाँ कर सकता हूँ क्या, लाइए दीजिए ना। मैं भी करूंगा। हाँ नहीं नहीं शिनचान, ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। दोनों जाकर कुछ और खेलो। करने दीजिए, चलो हम लोग खेलते हैं। अरे अरे मैं बहुत थका हुआ हूँ नानी। क्या कहा तुमने? मैंने कहा ना खेलते हैं तो चलो खेलते हैं। देखो तुम दोनों अपना ख्याल रखना, ठीक है? मैं वो वाला काम कर लेता हूँ, आप ये वाला काम कर लीजिए। साथ में मिलकर बारबेक्यू करने का मजा ही कुछ और है, क्यों है ना? हाँ बात तो सही है, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। मुझे लगता है ये मिलकर अच्छा बारबेक्यू करेंगे। बात तो आप ठीक कह रही हैं। ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो सच ये है कि मैं चाहती नहीं कि ऐसे मौके आए। क्या हुआ? इस तरह ठंडे पानी में पैर डालने में कितना मजा आता है ना नानी, तुम्हें भी ये पसंद है ना? लेकिन मुझे बहुत ठंड लग रही है नानी। शिनचान बातें करना बंद करो, चलो अब हम पानी में खेलते हैं, ठीक है? अरे वाह कितनी प्यारी मछलियाँ हैं, उन्हें इधर लेकर आओ ना। तुम ही ये कर लो ना। अगर कपड़े गीले हो गए तो मेरी मम्मा मुझे डांटेंगी। मेरी मॉम भी तो डांटेंगी। प्लीज शिनचान, मैंने हाथ में नहीं पकड़ सकता। अच्छा तो फिर तुम रुको जरा। ये लो। अरे ये तो अजीब है, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं बस लगता है कि मैं नेट घर पर ही भूल गया। हाँ शायद मैं किचन में भूल आई हूँ। मैंने तुम्हारे बैग में एक और नेट रखा था। लेकिन हमारे पास वो नहीं है हैरी। मुझे तो लगता है जानबूझकर भूल गए हैं। कोई बात नहीं, आप हमारे बारबेक्यू पे अपने स्नैक्स बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, तकलीफ के लिए माफी चाहते हैं। हम दोनों के स्नैक्स को साथ में ही बारबेक्यू करें। मेरे ख्याल से हमें पहले नोहारा फैमिली को बारबेक्यू करने देना चाहिए, क्योंकि इनके स्नैक्स अच्छी क्वालिटी के हैं और हमारे नहीं। मैं नहीं चाहती कि हमारे अच्छी क्वालिटी के स्नैक्स इनके स्नैक्स के साथ मिक्स हो जाएं। मैं नहीं चाहती आपके स्नैक्स खराब हो जाएं। अरे परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ चिंता मत कीजिए, जो हमारे पास है वो आप खा सकते हैं आराम से। तुम आराम से बैठ जाओ, हम जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, घबराओ मत। आप बिल्कुल भी मत घबराइए। ठीक है जैसा आप लोग कहें। हाँ निकल गई। तो अब चलें क्या? नहीं नहीं मुझे
तुम कितनी जिद्दी हो नानी। हाँ, एक और आ रही है। ये मेरे हाथों से बचकर नहीं जाएगी। इस वाली को तो मैं पकड़ कर ही रहूँगा। पर कैसे? शुक्रिया शिनचैन, तुमने मेरे लिए मछली पकड़ी। तुमने पकड़वाई। ठीक है, मुझे लगता है ये वाले अच्छे से पक चुके हैं। तो फिर शुरू करें क्या? जरा सुनिए, बाकी बारबेक्यू मैं कर देती हूँ। मैंने तुमसे कहा ना, तुम आराम से बैठ जाओ, हम सब संभाल लेंगे। हाँ हाँ। अरे नहीं, इन्होंने हमारे स्नैक्स अपने स्नैक्स के साथ मिक्स कर दिए। अब आ गए। तुम लोग खेल कर आ गए? मम्मा ये देखिए। अभी आती हूँ नैनी। मैं ये स्नैक्स की प्लेट वहाँ ले आता हूँ। आप रहने दीजिए, मैं ले जाती हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ, मैं इसे इधर रख देती हूँ। ऐसा करती हूँ, पहले बच्चों को दे देती हूँ। इनकी वाली स्नैक्स यहाँ रख देती हूँ और अपनी वाली यहाँ। मम्मा, तुम दोनों को जरूर भूख लगी होगी। शिनचैन ये लो, ये तुम्हारे लिए है। और नैनी ये तुम्हारे लिए है। तुमने मेरे लिए मछली पकड़ी ना, इसलिए ये तुम्हारे लिए। शिनचैन मुँह खोलो। अरे नैनी, यहाँ पर बहुत सारा है, मैं शिनचैन को यहाँ से दे दूंगी। बेटा तुम अपना वाला मत दो। ठीक है ठीक है, अब मैं भी तुम्हें खिलाऊंगा नानी। मुँह खोलो। तुम्हें इनके स्नैक्स की तारीफ करने की जरूरत नहीं है। चलिए ये भी तैयार हो गए। ये लो मिर्ची, एक और प्लेट आ गई स्नैक्स। अरे वाह, मैं आप दोनों को सर्व कर देती हूँ, आप दोनों आराम से बैठ जाइए। अरे नहीं, आप क्यों तकलीफ करेंगी? हाँ बिल्कुल। मिस्टर नोहारा आप बैठिए, बाकी बारबेक्यू मैं अकेले कर लूंगा। सच में? क्या, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्ची देखो जरा। अरे आपकी वाइफ कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। हाँ कहाँ है वो, नजर नहीं आ रही है। उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो इसलिए वो आराम करने चली गई टेंट में।